हेलो क्लास फोर्थ सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। और इसमें देखिए हमने अभी तक पाठ पढ़ा स्वतंत्रता की ओर चैप्टर 9 था आपका। ठीक है, तो ये पाठ आपका कंप्लीट हो चुका है और इसके प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए कल मैंने आपको प्रश्न यहाँ पे करने के लिए दिया था। इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में, जो महात्मा गांधी थे उनको बापू कहकर बुलाते थे, के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से कोई तीन बातें यहाँ लिखो। तो ये मैंने आपको तीन बातें यहाँ पे बताई थी, आपने लिखी होंगी। आगे देखिए यहाँ पे बनाए क्या लिखा है। चूल्हा, धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। जो बच्चा था धनी ना, उसकी माँ क्या कर रही थी, चूल्हा फूंक रही थी। जब उन्होंने क्या पूछा था कि बापू कहाँ जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाऊँगा। तो धनी की माँ खाना पकाने के चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनका नाम पता करो, लिखो। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए चित्र बने हैं ना, तो इनके नाम और क्या करना है, नाम पता करने हैं और उनको लिखना है। तो सबसे पहले बना है स्टोव। क्या बना है, स्टोव बना है। फिर बना है चूल्हा, ठीक है, गांव में जो चूल्हा होता है। और ये है गैस स्टोव और ये है भट्टी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनमें कौन कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से ये चलाए जाते हैं, गैस किससे चलता है और चूल्हा किससे जलता है और गैस किससे और भट्टी किससे जलाई जाती है, उनका प्रयोग हमको लिखना है। तो जो गैस स्टोव होता है ये चलाया जाता है मिट्टी तेल से, और चूल्हा आपको पता है लकड़ी से, और जो गैस स्टोव होती है वो जो घरेलू गैस होती है उससे चलाई जाती है, जो रसोई गैस जो होती है, और ये भट्टी कोयले से जलाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोग गांव में रहते हैं तो भी किसका इस्तेमाल करते होंगे, गैस स्टोव का, और शहरों में भी रहते होंगे तो गैस स्टोव का अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो जो गैस स्टोव है, रसोई गैस है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखें। कक्षा में चार चार के समूह में एक एक चीज के बारे में पता करो। सबसे पहले आए स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता होती है आज़ादी, ठीक है ना, गांधी जी आज़ादी के लिए लड़े। ठीक है, और है सत्याग्रह। सत्याग्रह सत्य के लिए किया गया हट, सत्य के लिए की गई जिद, ठीक है ना। और गांधी जी क्या थे, सत्यवादी थे, ठीक है ना, सत्य के लिए वो लड़ भी जाते थे। खादी, खादी क्या होती है, कपड़ा होता है बच्चों, क्या होता है, कपड़ा होता है, जिस खद्दर चरखे में बनाए गए तागे से जो धागा होता है, मोटा कपड़ा होता है, एक खादी का आपने देखा होगा, ठीक है ना। आपके घरों में जो बुजुर्ग होंगे वो उस खादी का कपड़े का यूज़ करते हैं। और है चरखा। चरखा कौन चलाता, गांधी जी चलाते थे चरखा। तो चरखा क्या होता है, सूत, जो धागा होता है कातने का, लकड़ी का यंत्र, एक मशीन होती है लकड़ी की, उस पर क्या किया जाता है, धागा चरखा चलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहानी से, सॉरी आगे की कहानी। गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे। धनी ने गांधी जी की बात मान ली। ये आपको पता है कि जो धनी था उन्होंने क्या कर लिया था, गांधी जी की बात मान ली थी। गांधी जी ने क्या बोला था, तुम बिन्नी के पास रह के उसकी देखभाल करो, और जब मैं वहाँ से आऊँगा तो बिन्नी मुझे क्या देगी, खूब सारा दूध देगी, तो तुम इसकी देखभाल करने के लिए यहीं रुक जाओ। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे, ठीक है ना, जब वापस आए होंगे दांडी यात्रा से, तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोचकर लिखो। तो आपने बताना है आगे की कहानी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने दिमाग से आपने सोच के लिखना है कि आगे क्या क्या हुआ होगा।
कहानी से आगे। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा। ठीक है, धनी ने क्या सोचा था कि मैं गांधी जी से बात करूंगा और मैं भी दांडी जाऊंगा। और उनकी जो माता जी थी उन्होंने तो क्या कर लिया था, माता जी और पिताजी ने तो मना कर दिया था धनी को कि तुम जो दांडी यात्रा है तुम उस पर नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी क्या हो, बहुत छोटे हो। लेकिन धनी ने क्या जिद पकड़ी हुई थी कि मैं भी यात्रा पर जाऊंगा और मैं गांधी जी से बात करूंगा। तो धनी क्या सोचने लग गया कि कौन सा समय होगा जब गांधी जी क्या रहते हैं, काम से मुक्त रहते हैं, थोड़ा फ्री रहते हैं, तो कौन सा समय था। तो धनी ने गांधी जी से सुबह को बात करना ठीक समझा। ठीक है ना, क्योंकि सुबह गांधी जी क्या करते थे, आश्रम में पैदल घुमा करते थे। तो उन्होंने जो धनी था उसने उसी समय बात करना सही समझा। खौ, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था। जो धनी था, जो बिन्नी बकरी थी उसको हरी घास खिलाता, उसे बर्तन में पानी पिलाता, उसकी खूब देखभाल करता, आश्रम के चारों ओर उसको अपने साथ साथ घुमाया करता था। धनी को यह कैसे महसूस हुआ कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। ठीक है ना, तो आश्रम में सभी लोग किसी खास चर्चा में लगे हुए थे, सब है ना कुछ ना कुछ बातें करने पे लगे हुए थे। तो धनी को ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ बात तो है जो सब लोग बातें कर रहे हैं। सभी लोग गांधी जी के कमरे में बैठकर गंभीर बातें कर रहे थे। ठीक है ना, गांधी जी के बारे में, गांधी जी के कमरे में जाके कौन सी बातें कर रहे, क्या बात ऐसी है। ठीक है ना, इन सब बातों से धनी को यह महसूस हुआ कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है, इसीलिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने मैंने बताए हैं, ये यहाँ पर मैंने ये सॉल्व किया है, आपको प्रश्न लिखना है। और यहाँ पर देखिए उत्तर है उसका, पहले का देखिए, स्टोव चूल्हा, गैस स्टोव, कोयले की भट्टी। ठीक है, और इनमें से नीचे लिखे ईंधनों का प्रयोग होता है, किन ईंधनों का प्रयोग होता है। स्टोव में देखो मिट्टी का तेल, चूल्हे में लकड़ी, गैस स्टोव में रसोई गैस, कोयले की भट्टी में कोयला। ठीक है, मेरे घर में खाना पकाने के लिए गैस स्टोव का इस्तेमाल किया जाता है, जो गैस स्टोव होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके घर में जो होता है उसका प्रयोग आप लिख सकते हैं। कहानी से आगे, स्वतंत्रता आज़ादी। ठीक है ना, सत्याग्रह, सत्य के लिए किया गया हट या जिद। खादी, खद्दर चरखे से बनाए गए धागे से मोटा कपड़ा। चरखा, सूत धागा काटने का लकड़ी का यंत्र या मशीन। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा। तो धनी ने गांधी जी से सुबह से बात करना इसलिए ठीक समझा होगा क्योंकि गांधी जी रोज सुबह आश्रम में पैदल घूमते थे। ठीक है ना, ख, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था। तो धनी बिन्नी की देखभाल पता है ना आपको, उसको हरी घास खिलाना, उसे बर्तन में पानी पिलाना और आश्रम के चार और अपने साथ घुमाना। धनी को यह कैसे महसूस हुआ कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। आश्रम में सभी लोग किसी खास चर्चा में लगे हुए थे। सभी लोग गांधी जी के कमरे में बैठकर गंभीर बातें करते थे। इन सब बातों से धनी को यह महसूस हुआ कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। तो इनको आप कॉपी में तो करिएगा, प्रश्न आप बुक से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको करने हैं और ये सारे प्रश्न हैं, तो इनको ध्यान से करिएगा। फिर प्रश्न आप यहाँ से उतार सकते हैं बुक से ही। और यहाँ पे देखिए ये आप चित्र कॉपी में इनको बना सकते हैं और उसके आगे इनके नाम लिख सकते हैं।